Good morning, class. Jai Hind. कहां तक बता दिया था आप लोगों? सारा बता दिया था, सबसे पुरानी सभ्यता से लेकर सबसे नई सभ्यता से बता दिया। दूसरे हॉल वाले लोग बाबू, इस हॉल जब जगह नहीं रहती इसमें बदमाशी किया सबका, इधर वाला कुछ हल्ला किया होगा, बाहर हो गया सब। हाँ हल्ला कर रहा होगा इसलिए नहीं मिला होगा। पता है सब चाटो सियार बनते रहता है सब। चलिए बाबू, इससे पहले क्लास में आपको सभ्यताओं के बारे में बता दिए थे। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, शहरी या ग्रामीण? दुनिया की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया के बाद पीली नदी की सभ्यता, कौन सी सभ्यता? पीली नदी की। उसके बाद मिस्र की, मिस्र के बाद रोम की सभ्यता, रोम के बाद पर्सिया, फारस या पर्सिया की सभ्यता। सिकंदर ने पर्सियन सभ्यता का नाश कर दिया। उसके बाद लास्ट आएगा आपका स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा समझ गए नहीं? स्पार्टा, स्पार्टा ग्रीक के पास एक जगह था, स्पार्टा के बारे में बताना है। समझ गया? स्पार्टा 300 सैनिकों का एक मतलब छोटा सा टापू वाला एरिया था, जिसमें महज कितने सैनिक थे? 300। घर बनी इतना दिमाग रहता नहीं रहता लोग। आगे बढ़े भाव, देखिए यहां पर आपका रोम का सभ्यता है, अपने मतलब भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कौन सभ्यता? रोम सभ्यता। रोम की सभ्यता के दो प्रमुख राजा अगस्तस और जूलियस सीजर, अगस्तस और जूलियस सीजर, इन्हीं के नाम पर दो महीने का निर्माण है, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, अगस्तस और जूलियस सीजर के नाम पर। हो गया, ये तो हो गई आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर इसी की जगह पर आई थी कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता। फैरो था, फिरौन का नाम क्या रख दिया था? फैरो, फिरौन का नाम, पर मुसलमान कंफ्यूजन में नहीं जाना, किसी को दिक्कत? बाकी सब लोग को कल कल फिरौन वगैरह के बारे में बता दिया यहाँ पे, उसी को लोग क्या कहते हैं? फैरो। क्या कहेंगे? फैरो। इंजील का नाम बाइबल रख दिया, इंजील को क्या कहते हैं? बाइबल। उस सब इतना बेहतरीन ढंग से चल चलता है ना कि आपको समझ में नहीं आता, 100 साल बाद आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े, ये हो गया आपका। इसके बाद बताइए तो पीली नदी की सभ्यता थी चाइना में, पीली नदी की सभ्यता ईरान में, फारस की सभ्यता ईरान में, फारस की, फारस की सभ्यता। ये हो गया आपकी रोम की सभ्यता। यहाँ पर एक जगह ग्रीस, देखिए ये जगह है ग्रीस, ग्रीस में था एक जगह स्पार्टा, ग्रीस में एक जगह स्पार्टा। स्पार्टा जो था चारों से पर्वतों से घिरा हुआ था। स्पार्टा को हराने के लिए कितनी बड़ी दुनिया की फौज आ जाती थी, हरा नहीं पाती थी, क्योंकि पहाड़ों से घिरा होता था और उसमें घुसने का एक ही रास्ता था, चौड़ा था लेकिन रास्ता क्या था? एक ही था। स्पार्टा में घुसने का रास्ता क्या था? एक ही था। अब वो पतले रास्ते के बीच में मतलब उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं थी, 100 फीट होगी चौड़ाई, मतलब इस क्लासरूम का डबल। समझ गया कि नहीं? इसकी चौड़ाई आपका 60 फीट है। समझ गया कि नहीं? तुम्हारा क्लास का चौड़ाई तुम्हारे को बताओ, इसकी चौड़ाई कितनी फीट है? 60 फीट है। 60 वहाँ पे लगभग उसकी चौड़ाई लगभग थी 100 फीट के आसपास, यानी इसकी लंबाई मान लीजिए, इसकी लंबाई मान लीजिए कि नहीं, इसकी लंबाई 110 है, तो इतना ही मान के चलिए कि इसकी चौड़ाई इतनी थी, घुसने का रास्ता यही था यहाँ पर। अब कितनों सैनिक आते थे सब, इतना पतला रास्ता पार करना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ स्पार्टा के 300 सैनिक खड़े होते थे और किसी कितनी भी बड़ी सेना थी उसको घुसने नहीं दिया वहाँ स्पार्टा में। बाद में एक मिल गया भेदिया जो बता दिया कि दूसरा रास्ता क्या है, पीछे से रास्ता क्या है, आके मार दिया गया स्पार्टा के 300 सैनिकों को। उसका सेनापति का नाम था लियोनाइडस, सेनापति का नाम क्या था? लियोनाइडस, लियोनाइडस था। और जो जर्क्सिस था वो ये आपका जूलियस सीजर, उसको आता है जूलियस सीजर को। यहाँ का स्पार्टा जो था सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के होते थे? स्पार्टा के, स्पार्टा के सैनिक पूरी दुनिया में सबसे बहादुर थे। ये इस तरह से ढाल बना के खड़े हो जाते थे, देखिए इनका ये ढाल होता था, ये क्या था? ढाल। यहाँ ये भाला से लड़ते थे, इनके पास क्या होता था? भाला, भाला। ये देखिए इतना लंबा भाला दिख रहा है, ये इसका भाला दिखे, ये रहा भाला, ये भाला, ये तीर लगा हुआ है ऊपर, ये हो गया आपका कौन सा चीज? भाला। ये हो गया इनका ढाल, ढाल के पीछे रखे रहते थे तलवार, भाला से घोप तान करते थे, कोई बढ़िया बड़ा आदमी पास में आ जाता था भाला से मार नहीं पाइएगा। हमेशा याद रखिए जब कोई छोटे हथियार से मारे तो दूर भागिए, बड़े हथियार से मारे तो भागिए नहीं, पास आइए। छोटे हथियार से मारे तो दूर भागिए, बड़े हथियार से मारे तो सबको चाकू लिया, चाकू छोटा हथियार है, दूर भागो, घोप देगा, बंदूक लिया छोटा क्या भागो, दूर भागो, लाठी ले ले पास आ जाओ, ले मार, ले मार, मार, भागी कर दो देगा, भागी कर देगा, दो देगा, लोग उसको मारने जरूरत है, मार मार, तनिको जहाँ तक दूरी रहेंगे, अच्छा रुक रुकता था, घपाक से मार देगा, चली जाएंगे आप लोग, मारो नहीं किया है इसका मतलब। बचपन में क्रिकेट में, बचपन में क्रिकेट में जब मार होता था तो देखते थे लोग फाइट कौन चला रहा है, अगर फाइट चला रहा था भागता था और विकेट उठा लिया तो पास चल जाता था, विकेट और बैट से मारता था पास चल जाता, दूर जाएगा मारने का भैया से पास चलेगा तो किसी मारेगा, इसलिए हाँ तो काट लिया थी मान से यहाँ पे मारा था विकेट ना, अब विकेट लेकर मारा था पास चल गया बेचारा, इसे पकड़ के ले गया था इसे, फिर वही काट लेना सोचा हमारे ना, यहाँ इतना दूर क्या होगा बेचारा, आज भी मिलता रहता, इतना दूर उसका दाढ़ी नहीं निकला, इतना दूर निकाल दिया उसका नहीं समझे, उसका दाढ़ी नहीं निकला, अच्छा गया डॉक्टर के पास ना, ई वाला यहाँ लटक रहा था इसे मान सा आधी की तरह, डॉक्टर पूछ रहा था क्या होगा, खाए का मन वाला मतलब खा गया था, ई का यहाँ पकड़ा था, यहाँ पकड़ गया था तब बिना मतलब मार हो जाता था, कभी कभी यहाँ पे मारा था ना, हमारी मजबूरी थी, हम तो एक्सपीरियंस लड़ाई करने वाला थे, हमको लगा कि अच्छा मेरे साथ कोई लड़ाई लड़ा था उसको पता था मेरा ट्रिक, कि जब विकेट जैसे उठाए तो यहीं पे कूद जाते थे, वो क्या किया विकेट 20 से पकड़ लिया, लगा हमें कंधों पर मारने, हम कह ले भाई टूटेगा कंधा ये, हम कह ले अरे भागने जाता यहाँ पे, पीछे से पकड़े बाल, आगे से पकड़े थुर थुर, आगे से हिल उठा ना पीछे से कड़ा के मुझे दिया यहाँ पे हमारे जितना मोहल्ला बवाल होता था ओढ़ना था दादी के पास, दादा के पास आएगा दादा हमको डांटने लगेंगे, हाँ नाम दुबाओ दादी उल्टे कहीं तार लिखा सीधा कुछ कहीं तब ना मतलब नहीं दादी कहती थी मादी के वो कुछ कहीं अपन गलती ना लुकी ठीक 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 हम बनाते थे किसके पास मैं तो जाए
दादी के पास, सब लिपा पोती करके रख देती थी दादी, दादा के पास चल गया ना, खानदान के नाम दुबाई, पूरा खानदान का नाम डुबा देगा वहाँ, समझा। तो ये सब जो थे सब ना, दादा दादी मेरे कोई नहीं रहे अभी, नहीं तो दादा दादी अभी ना, बचपन में दादा दादी नहीं रहता तो घर किसी काम का नहीं रहता, बहुत जरूरी है दादा दादी का होना। रीजन क्या है, छोटा लिखा खलिया होता है सबको कोई पूछता नहीं है, और बुढ़ा लोग को कोई नहीं पूछता, दोनों भुक्त भोगी दोनों में बड़ी जमता है, पूछेगा दादा आपका यहाँ का बाल क्या हुआ, तो दादा आराम से बताएंगे, फिर पूछेगा दादा आपका बाल सफेद हो गया मेरा काला है, कुछ कुछ पूछते रहेगा हमेशा, बताते रहेंगे उससे। वैसे ये सब के बाद ये भाला किस लिए था, दूर की लाई के लिए, भाला दूर की लाई, भाई ढाल के अंदर क्या रखेगा, छोटा तलवार जहाँ पास आइए ना भाला टांग के घूमते ले। अब बताइए इनके पास कैसे आएंगे चलाने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पर तीर जब चला जाता था तीर इनके ऊपर, देखिए कछुआ ऐसे बढ़ जाता था, जैसे तीर चलाएंगे तो दिख जाता था तीर, गोली थोड़ी आ जाएगी यहाँ पर, तीर चला एक बार दो हजार तीर चलाते थे बाहुबली में, देखे अल्ले कैसे क्या ढाल बना के बढ़ जाता है, एक दो नहीं कई को, इसी का कॉपी किया गया बाहुबली टू में, देखे बाहुबली टू में उड़ के चल जाता है, देखे ऐसे गुड़िया करना था कटा पाई से ये ले प्रतिघात मार से उड़ गया यहाँ पे, बुढ़ू गजब कथा कटप्पा वही तो मैं बोलता है बहुत मार खाता हूँ समझा कि नहीं आ गया, लेकिन सबसे ऊपर जोड़िए बाहुबली में देखेंगे ना शिवगामी और उसका बिखल देव वो दोनों हाल बैठते हैं, सीखो कुछ सीखो, तनिको वैल्यू दी शिवगामी उसको, शिवगामी बिठल दे से ज्यादा वैल्यू कटप्पा को देती थी, हाँ जो भी रहे मैं तनिको उसको वैल्यू नहीं देती, इस बार के सैनिक जो थे 300 थे बस, कितनों तीर चलाइए इनके ऊपर ढाल बना के आ जाते थे, अच्छा तीर खत्म हो जाता था ताकि मत, अब देखिए तीर चलते के दौरान दुश्मन किसी लाइन पे कैसे हमला कर सकती है, क्योंकि तीर यही गिर रहा है, आज के समय तीर के जगह तोप आ गया है, जैसे यहां दुश्मन की सेना है यहां हमारी सेना है, तो जब दूरी पे पहुंच जाती है तो अपनी सेना आदेश ऑर्डर करती है कि आर्टिलरी फायर किया जाए, तो तोप चलता आगे यहां से धार धार धार, अगर तोप बंद जब आगे बढ़ती है तो तोप बंद करना पड़ता, नहीं तो होता क्या वही हो जाता, शिवाजी ने गलती मराठा ने गलती किया था, मराठा ने क्या किया पानीपत की तीर लड़ाई में जाकर अब्दाली की सेना का सबसे लगे भीड़ कर, अब तीर वाले कह रहे थे हमारा 5000 तीर अंदाज लेके काटो कौन सी मारे उभरवा में, हम यहां पे स्टैचू की तरह खड़े हो गए, इसे मारो वो ने मारा मारे तो अपने लग गया गोली मार दो हमरे मार दे, नहीं तो एक पास नहीं मिला थोड़ा दूरी पर बची उसी का फायदा उठाते थे कौन अस्पताल, इस पर पहले क्या करते ढाल लेते थे, अब दुश्मन के सैनिक पास आते थे ना बस ईवी से ढाल टाइप में रहता ढाल बहुत जबरदस्त रहता था, आज ढाल मारते थी भाला यहाँ पे इतना लंबा साइज का भाला होता था जिसका कोई हद नहीं, अब क्या करते थे रद्द करते किसी को घुस नहीं दिया, कई साल तक लड़ाई चली थी 10-10 साल की लड़ाई में किसी को नहीं घुसने दिया इस पाटा में, लियोनाइडस सेनापति को देखा लियोनाइडस इसकी सेना का लियोनाइडस लियोनाइडस अरे भाई लियोनाइडस बहुत बहादुर सैनिक था, ये इस पाटा वाले जो थे ये उनका मुख्य लड़ने का टैक्टिक्स होता था, ये देखिए इस तलवार लेके आए हैं हमारा भाला आर पार कर दिया यहाँ पर ढाल सब लिया ये है इसका ढाल ढाल लिया यहाँ पे मार के इनको रद्द कर देते थे यहाँ पे पहाड़ी एरिया पीछे से दिख रहा होगा आप लोगों यहाँ पे घुसने के लिए जाइएगा यहाँ पर रास्ते मिल जाते थे कौन सा नहीं स्पाटा स्पाटा के सैनिक था स्पाटा समझ आ गया सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के थे स्पाटा के सैनिक थे इनका वेशभूषा यही होता था स्पाटा के सैनिकों का, देखिए ये भाला और ढाल एक ही में रखे रहते थे और भी अपना ये देखिए छोटा तलवार यहाँ रखे रहते थे यहाँ पे चाकू टाइप रहता था सबसे छोटा चाकू कमर में ढाल के पीछे वो बड़ा साइज का तलवार और एक तो बड़ा साइज का भाला और ये हो गया एक तो ढाल इसको खोपड़ी हेलमेट वगैरह रहता था, इन लोग की ट्रेनिंग होती थी 6-7 साल बचपन में, जब ये लोग 8-7 साल के होते थे ना तब से इनकी ट्रेनिंग चालू होती थी इस पाटा के सैनिकों को, जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कैसे होती थी रात को घने जंगल में भेड़ी और शेर के बीच में छोड़ दिया जाता था बिना हथियार के, जिंदा बच के आ गए आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं आए तो ट्रेनिंग में फेल, फेल का मतलब खत्म कहानी शेर वालू का नाश्ता कर लेगा और उसी जगह छोड़ा जाता था जो जगह पे भेड़िए और शेर ज्यादा रहते थे और बिना हथियार के छोड़ा जाता था, बिना हथियार के सबसे बहादुर सैनिक कहाँ थे इस पाटा के, समझ नहीं आ गया देवसेना पति कितना खुश रहते ये बहादुर है अब देवसेना बाहुबली बाहुबली आगे बढ़े ये युद्ध टैक्टिक्स किसकी है स्पाटा की, देखिए स्पाटा के सैनिक आगे क्या ले लेते थे भाला एक साथ पैसे जाते थे यहाँ पे, अब इसी का कॉपी करके बाहुबली की मूवी में कटप्पा ने ढाल बनाया था, देखे लास्ट में कटप्पा ने क्या बना दिया था ढाल अंदर से भाला मारता था इसे लास्ट में बाहुबली का मेन युद्ध नहीं देखे हैं बाहुबली कालके के साथ, किसके साथ कालके के साथ लास्ट में देखिए ढाल बना देता ना ये गोल रहता है कैसे बनाया चौकोर चौकोर रहता है लास्ट में लाठी लेकर बांध के आता था यहाँ पे, तुमने फिल्म भी नहीं देखता है फिर देखो उसकी कहानी याद रखो समझाने में आसानी रहेगी, अब देखो इनके ऊपर तीर चलाएगा ये दूर से देख लेते थे तीर चला रहे तुरंत ढाल बना देंगे, तीर चलने का तरीका इनको पता था जब इनके पास सैनिक नहीं है तभी कोई तीर चलाता था समझा कि नहीं आएगा इनको ही पता था सैनिक दूर है तीर मारेगा ढाल बना के बैठ जाओ अब सैनिक पास आ गया तीर नहीं मारेगा उसकी सैनिक जाएंगे यहाँ पर मार ले सोचा तुम्हें एक साथ रहते ग्रुप होता था इसे बैकअप में पीछे रहते थे यहाँ पे सब यहाँ पे मारा मारी धार धार ढाल बना के लिया भाला मारा थक गया भाई दूसरा का बचा हो थक गया हाथ चढ़ गया मार मार के यहाँ पे चलो आगे पीछे बन अभी पीछे चल जाएगा थोड़ा सा रेस्ट करेगा तभी होता है 250 मार दे अभी हम एक घंटा में फिर हाथों चढ़ गया फिर अदला बदली करके मार दिया यहाँ पर इस पाटा के सैनिक सबसे बहादुर थे सर और इसकी झगड़ा चलता था किसे जर्कशीज से किसे जर्कशीज ये ससुरा जर्कशीज था जर्कशीज इस पाटा का चंगा लगा सब सोना चांदी पहन ली सब सोना चांदी पहना और इसका रथ जो था ना क्लासरूम बराबर था रथ ये रथ से चलता था क्लासरूम बराबर इसका रथ था इस रथ पे चढ़ने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़नी होती थी अब रथ की ऊंचाई सोचिए कितनी ऊंची होगी समझ गया रथ की ऊंचाई कितनी होगी 20 सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो इसके रथ के ऊपर पहुंचते थे और रथ के ऊपर सिंहासन होता था अब 20 सीढ़ी चढ़ गया और मतलब नॉर्मल रथ में क्या होता है नॉर्मल चढ़ गया इसे 2-3 को सीढ़ी हो सकता है इससे ज्यादा तो नहीं उसमें और सबसे बड़ी खराबी क्या थी इसके रथ की इसके रथ को घोड़ा हाथी नहीं खींचते थे आदमी हाथ पे लेके जाता जैसे डोली उठाया जाता था इतना गुलाम रखा हुआ था गुलामों के कंधा पे चलता था रथ चलता था एकदम सिंहासन पर बैठा रहता था इसका जहां मन वहां सोना चांदी टिक लिया ये इतना मेकअप किया कि लड़का सब इसके बाद मेकअप त्याग दिया सब का कोई फायदा नहीं है इसी का तो आप लोग कॉपी पेस्ट मारी होगी कहीं कहीं से हाँ क्या है देवे इसे तो मंटी का मतलब बिजली का करंट मतलब पता नहीं चला हाँ ये सोचा कटाई में मार लिया कि शेर भी इसको नहीं मार पाएगा क्या कटाई कोई नहीं काट पाएगा देख रहे कितना सोना पहन रहे पैरों में लेकर हर चीज एकदम पूरा सोना लास्ट में सोचा जीत लिया था समझा कि नहीं बहुत खतरनाक था बाद में मर गया इस सबसे कोई फायदा नहीं हो
घमंड ज्यादा हो जाता था। समझा कि नहीं? 300 सैनिक मिलके, लियोनाइडस के 300 सैनिक मिलके, 300 सैनिक मिलके स्पार्टा में लियोनाइडस के नेतृत्व में 300 सैनिक मिलके इनके 10,000 से ज्यादा सैनिकों को, 20,000 से ज्यादा सैनिकों को निपटा दिया। लेकिन इस तरह युद्ध हमेशा ना जासूसों की वजह से बहुत हो जाता है। एक गुप्त रास्ता था, वो उसने क्या किया, गुप्त रास्ते से अपने एक दो सैनिकों को भेज दिया। अब स्पार्टा के सैनिक लड़ रहे थे, पीछे से आके तीर से मारना चालू कर दिया पीछे से। उसके बाद इस तरह ने आदेश दिया कि दोनों सैनिक जब आपस में लड़ रहे हैं तो चला दो तीर, मेरे भी सैनिक मर गए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह कोई दिक्कत नहीं था, तीर चला से इसका भी सैनिक मर गया। तू क्या किया सर, स्पार्टा वाला ढाल बना के मर गया सर, कैसे मरने दूं उसको, उसने कोई झांक कर रहा था, मार भोंक भाग के रख देता। लास्टली क्या हो गया, मर गया लियोनाइडस। स्पार्टा सबसे बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध सर, स्पार्टा ग्रीस में, इसमें ग्रीस आगे बढ़े ग्रीस में। हम लोग में भी ऐसा एक बार युद्ध हुआ है, भारत में भी 120 सैनिक ने मिलकर 6,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर मार दिया। 120 सैनिक मिलकर पाकिस्तान के कितने, 6,000 सैनिकों, बड़ा फिल्म लोंगे वाला आता है पाकिस्तान वाले सबको, पाकिस्तान वाला क्या हो गया, भाग गया सब, पाकिस्तान वाला भाग गया सब। इस वजह सबको क्या आता है, आया था सब लड़ने के लिए यहाँ। आगे बढ़े, उसको लगता है ना पाकिस्तान वालों को खुदा उनका साथ देगा, जबकि एक बार अगर उनकी खुदा से मुलाकात होती ना, इतना मार मारता खुदा इनको पहले की छोटा करके, सबसे ज्यादा हमको तुम नहीं बदनाम किया, नहीं जाना इतना मार मारेंगे जिसका कोई हद नहीं उसको। ये आपकी प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो गई, किसी को कोई दिक्कत, स्पार्टा के मजबूत, स्पार्टा से मजबूत सैनिक भारत के थे, फिर भी हम गुलाम हो गए अंग्रेजों के। हम लोग में खराबी है, कितने सैनिक थे अंग्रेजों के पास, उसकी सेना के 60% सैनिक हम भारतीय थे, कहिए कि हम लोग गद्दारी किए थे। हाँ सारा गड़ी लड़ाई हुई थी, मूवी बनी है जिसमें गाना है तेरी मिट्टी में मिल जाओ, देखें सिख रेजिमेंट के सैनिक ने कितने मिल के अफगानों को उड़ा दिया कि नहीं, मारते थे अंग्रेजों को भी, अफगानों को मारे थे ना सारा गड़ी की लड़ाई में, अंग्रेजों को भी मारते थे, ना अफगान हमारे थे ना अंग्रेज हमारे थे, अंग्रेजों के पीठ पे अफगान को मार दिए तो एक दुश्मन से मिलकर दूसरे दुश्मन को मार दिया। नहीं हमारे जितने सैनिक थे अंग्रेजों के नौकरी करते थे, जलियांवाला बाग में जो गोली चलाई गई तो कौन सा सैनिक आपको ब्रिटेन से बुलाया गया था, कमांडर ने था वहाँ का, यहाँ तो चला दिया गोली यहाँ पर अंग्रेज समय। तो हम लोग में सारी बतिया बोली है, आधा बताए बोलते हैं भारत में जयचंद और विभीषण की कोई कमी नहीं, हर गली में को मिलेगा, हर गली में मिलेगा। आएगा भूषण पंचायत वाला देख रहा है विनोद, समझा गया कि नहीं, शिवगामी देवी की तो कोई कमी नहीं, हमको लगता है एक एज के बाद सब शिवगामी हो जाती है। सीरियल में देखिएगा जितना सीनियर, जितना सीनियर महिला भाई उतने खतरनाक लड़ाई लड़ाई हुई, गोपिका कोकिला, अरे छोड़ो सबको, सबका सीरियल वगैरह का बड़ी पता चीज़ होगी, पता यह जितना सीधा दिखा देता है सीरियल में सीधा क्योंकि पता होती है सर। हाँ हाँ होती है, तुम लोग तो नहीं होगी लोग, सब इस पाटा कहानी कितना ध्यान से सुन रही थी सर। हाँ सर, भाला की जगह हमारा छनौटा काम करेगा, ढाल की जगह तावा, जर्सी की जगह कढ़ाई, ऐसे कढ़ाई हेलमेट का काम करता है। चलिए अब आगे समझते हम लोग, प्राग इतिहासिक काल हम पढ़िए, हिस्ट्री देखिए आप लोग, हिस्ट्री का दो खंड हम खत्म कर दिया, जो छोटा छोटा था वो दो खंड छोटा छोटा हमने क्या कर दिया खत्म कर, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, और यहाँ बोलिए प्राग इतिहास, आद ऐतिहासिक, और यहाँ बोलिए प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। हम आपको दो दो खत्म कर दिए, बस अभी बचा कौन सा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक चलेगा अब तक, यूक्रेन युद्ध भी किसमें चलेगा, ऐतिहासिक, जितना चीज़ हो रहा है सब किसमें चलेगा, ऐतिहासिक काल में। टेस्ट कब होगा, कल ले लेंगे टेस्ट, हाँ इसका इसका भी लेंगे, कल परसों जब भी बंद करेगा टेस्ट लेंगे, रेडी रहिएगा, या तो कल लेंगे या तो परसों लेंगे, कल कौन दिन है, हाँ तो कल भी चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो परसों भी ले सकते हैं, नहीं सैटरडे संडे तो नहीं लेंगे, या तो फ्राइडे लेंगे या तो मंडे लेंगे, ठीक है, या तो फ्राइडे बोलेंगे या तो मंडे को टेस्ट लेंगे, एनी प्रॉब्लम आप लोगों को, ऑनलाइन वाले भी टेस्ट दे देंगे, ऑनलाइन वाले को टेस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ऑनलाइन वाले टेस्ट जो अगस्त से टेस्ट देंगे आप लोग को भी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, जैसे ओरिजिनल एग्जाम देते हैं ना जाके आप ऑनलाइन, वैसे ही आपको वेबसाइट पर जाकर ओरिजिनल टेस्ट देकर चले आना, वहाँ सारा एक ऐसी ए टू जेड चीज आपको क्या दिया जाएगा बता दिया जाएगा। इधर बीच में परसों दो तीन दिन पहले एप्लीकेशन हैक हो गया था, दो घंटे के लिए एप्लीकेशन हैक हो गया था, अब हम लोग परेशान हो गए थे एप्लीकेशन हैक होने के वजह से, लेकिन दो घंटे के अंदर अंदर हम लोगों की टीम ने एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टोर कर दिया। अभी ऑनलाइन में चीजें कभी कभी हो जाती है, गूगल भी हैक हो जाता है, तो फिर हमारा एप्लीकेशन को नहीं देखिए मसाला, ये भी हैक हो सकता है, लेकिन दो घंटा तक के लिए हमारा एप्लीकेशन क्या हो गया था, हैक हो गया था, ठीक है।
अब इतना पता रहता है कहां से है, आपको पता रहेगा चोरी का कहां से हो सकता है, चोरी कर देते, बस ये हो गया कि चोरी हो गया, आपका वापस आ जाना चाहिए, हैक हो गया वापस आ गया। नहीं नहीं हैक होने के बाद कोई खास दिक्कत नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप लोग कैसे सोचते ऐसे समझिए। यहां बताइए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल, कौन सा काल, पाषाण काल। इस समय किसी की खोजी थी, तांबा, तांबा की खोज चुकी थी, धातु में देखिए। इस समय सिंधु सभ्यता हो गया, कौन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इस समय किसी खोज कांसा, हाँ कांसा की खोज हो गई थी, इस समय किसी खोज थी, कांसे की खोज हो चुकी थी, तांबा तो पहले से चलते आ रहा था। अब यह ऐतिहासिक काल, इसमें चालू होता है वैदिक पीरियड से, किसमें, वैदिक से लेकर नौ, मतलब अभी नौ, मतलब नौ मतलब नहीं, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हो तुम, नहीं समझ आया, ध्यान में कर कुछ कर रहे, उसी को अंग्रेजी मीडियम में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ये वैदिक काल है, ये कहां से ऐतिहासिक काल, कहां से चालू होता है, वैदिक काल से, कहां से चालू होता है, वैदिक काल से। इसमें मेनली लोहा की खोज हुई थी, किसका, लोहा, लोहा, इसे लौह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन काल, काल का ये सभ्यता नहीं, समझ गया। हम आपको कितना काल पढ़ा दिए, दो, इतिहास का वही सा प्रागैतिहासिक पढ़ा दिए, आदि ऐतिहासिक पढ़ा दिए, अब आपको क्या पढ़ाएंगे, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहां से हुई है, वैदिक काल से, वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए नाम हो गया वैदिक काल, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे वेदों की रचना किस काल में हुई थी बाबू, वैदिक काल। अतः इसका नाम क्या हो गया, वैदिक काल, कौन हो गया, वैदिक, वैदिक काल के बाद सारो बस में चालू हुए, उस समय सारो को महाजनपद कहा जाता था, जैसे अभी भी अपने जिला को देखिए लिखा था जनपद, आपके जिला को क्या लिखा है, जनपद, लेकिन वो पटना तो महाजनपद है, पटना तो बहुत बड़ा जिला ना, तो वैदिक काल में क्या चीज हो रहा था बाबू, वेद रखा रहता है, वैदिक काल के बाद क्या हुआ, महाजनपद, वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद महाजन, महाजनपद के बाद विदेशी आक्रमण हो गए, महाजनपद क्या हो गया, विदेशी, सिकंदरपुर गया, कुडुलकट विशा चलाया, विमकट विशा चलाया, कुशाण आ गए, शख्स आ गए, सब इंडो ग्रीक आ गए, बहुत बहुत विदेशी आक्रमण किया, यहीं बस गया सब, आया यहीं बस गया, समझा, कुशाण ऐसा हमला करने यहीं बस गया, सब ऐसा हमला करने के लिए भैंस चराने के लिए चारा कोई नहीं, यहीं बस गया, ताकि यहीं 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 रह जाते हैं, भैंस चराने के लिए कौन जाएगा, सुन रहा है, यहीं रह गया सब, समझा, ग्रीक आया यहीं रह गया, पहला आया यहीं रह गया सब, यहाँ पे जिसको देखो यहीं आ जाता, यूनानी आया सब यहीं आके रह गया सब, यहाँ पर सब यहीं आ गया सब, एक देखिए कि बाबा आया यहीं रह गया, गोरी आया यहीं रह गया, सब यहीं आके रह गया सब, यहाँ पर समझाया, किसी को दिक्कत, तब हम लोग को क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक काल, कौन सा काल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, कौन सा काल बाबू, ऐतिहासिक काल, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत है या नहीं है, लेकिन उसे पढ़ा जा सका है, ऐतिहासिक काल के लिखित स्रोत को पढ़ा जा सकता है। देखिए अब ऐतिहासिक काल के बारे में जब लिखित स्रोत है और उसे पढ़ा भी जा सका है, इसका मतलब इसके बारे में जो भी जानकारी देगी एग्जैक्ट मिलेगी, लमसम में कोई जानकारी मिलने वाला नहीं है, समझा लेकिन इसके बारे में लिखित स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत भी है, बाकियों के बारे में लिखित स्रोत नहीं है बल्कि कैसा स्रोत है, पुरातात्विक, जैसे इसमें पत्थर के औजार वगैरह, आर्कियोलॉजिकल स्रोत है, लिखित नहीं है, इसमें भी आर्कियोलॉजिकल है, लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं है, इसमें लिखने किया, इसमें लिखा तो पढ़ने नहीं किया, उसमें लिखा भी और पढ़ा भी, बाकी पुरातात्विक स्रोत तो सब में रहता है, पुरातात्विक स्रोत मतलब उनके औजार कपड़ा लता है जो हड्डी उड्डी बचा वगैरह, वो तो सब काल में रहेगा, नहीं रहेगा, जैसे अभी भूकंप आया था हम लोग, आर्कियोलॉजिकल स्रोत रहेगा, हड्डी उड्डी बचा रहेगा हम लोग का, आगे मैं तो उसी तरह वैदिक काल में तो आर्कियोलॉजिकल स्रोत मिला ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर साहित्यिक स्रोत भी मिला है, आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ मिला है साहित्य, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ना कि वैदिक काल की पढ़ाई के बारे में तीन प्रमुख है, एक हो गया पुरातात्विक, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, इसमें क्या मिलेगा, औजार, सिक्का, हथियार, हड्डी, मनका, घड़ी, यही सब मिलेगा पुरातात्विक स्रोत में, अभिलेख, अभिलेख मतलब पत्थर पे लिख देना, अभिलेख मतलब पत्थर पे लिख देना, तो पुरातात्विक स्रोत में यही सब आएंगे सब, यही आएंगे सब, अभिलेख मतलब पत्थर पे लिख देना, नहीं समझे, जैसे मान के चलिए आपने घर के आगे पत्थर पे लिखवा दिया खूब बढ़िया चंडाल निवास, अपना वो क्या हो गया, अभिलेख हो गया, नहीं समझ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, लिखा सकते हैं भूतों का हेडक्वार्टर, जहां जहां जो भी आप लोगों को लिखाना है, समझा लेकिन ऐसा अपना घर बना के लिखा सकते हैं, किसी को दिक्कत, घर बनाइए अपना, हमारा लिखा है नागिन अपना रिफिल 10 बजे के बाद करा सकती नहीं समझा गया, जिसको जिसको रिफिल कराना है अपना जहर क्या कर सकते हैं, रिफिल करा सकते हैं, एक पति पत्नी सोए थे सपना, एक नागिन निकल गई, तो पति करा काट ले, काट ले, तो नागिन डांट दी पत्नी को, पति को चुप, गुरु है हमारी आशीर्वाद लेने आए थे, नहीं समझे, समझ गया आप लोग, पूरा पति से समझ गया, पूरा पति से मेरे को दिक्कत, अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्रोत, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री भी कुछ कुछ लिख के चले गए थे सब, रीजन क्या है, वैदिक काल तो अभी तक चल रहा है, वैदिक काल सॉरी ऐतिहासिक काल तो अभी तक चल रहा है, अब बहुत सारे विदेशी यात्री आए सब, इब्न बतूता चलाया, अब्दुल रज्जाक आया, भेनसांग आया, मेगास्थनीज आ गया, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, वो किताब है बहुत बड़ी किताब है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, नाम बहुत खतरनाक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, कौन लिखा पता नहीं चला, नाम नहीं लिखा, इसलिए लिखता अज्ञात व्यक्ति की रचना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, कौन लिख के चला गया पता नहीं चला, यहां नहीं समझा, अरे नाम तो लिखे गया, अभी आगे काट पे दुलाल के नाम नहीं, पता नहीं चला अभी आगे किसका हो रहा है, बहुत बात है, पता नहीं चल रहा है अभी आगे किस बात का है, तो विदेशी यात्री भी समय आ गए थे, भले शुरुआती दौर में ना आए हो लेकिन बाद में धीरे धीरे आगे होंगे नहीं आगे होंगे, जैसे चंद्र कुमार के ऊपर हमला करने आया था सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेतर, सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेतर का चंद्र कुमार को हरा दूंगा, हार गया अपने, काकी भाई साहब ये बिहारी बहुत खतरनाक है, भागो भागो भागो, घेर लिया चारों से, कैसे भागो, आपकी बेटी से ब्याह करेंगे, अरे ब्याह कर लिया चंद्र कुमार, और दहेज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान लिया था, समझ गया, हम बिहारियों के दहेज में बसा हुआ है, कौन दोनों बसा हुआ है यहाँ पे, अपन तो रिश्तेदारी है वहाँ पे, नहीं समझ गया, उसको तो हम लोग नहीं समझ गया, लेकिन कहा जाता है कि ऐसे जहाँ पे मतलब जहाँ से बेटी आई जाती है वहाँ पानी नहीं पिया जाता, अच्छा गांव में हमारे यहाँ पर परंपरा है, हमारे यहाँ से जिसकी जैसे इसलिए अभिनंदन चाय पी गया, आगे बढ़ते हैं, चलिए सब थोड़ी सिकंदर के समय हुआ था, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े, दहेज में चार प्रांत दिया था, एरिया राकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेनी आई, धीरे बोला कीजिए सर, फास्ट बोल देते क्या, उस लिखवाते समय समझाते समय धीरे बोली देते हैं, विदेशी यात्री भी चालू हो गए थे, वो भी कुछ कुछ लिख के गया था, मेरा सही लिखा जानते क्या, ईसा के 400 साल पहले लिखा था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल जी चुके हैं, 400 साल पहले लिख लिया था कि भारतीय पढ़ने में पसंद नहीं करते हैं, लिखने में पसंद नहीं करते, पढ़ने को दिए जाए सुनाइए उनको, उनको बहुत अच्छा लगता है, लिखना नहीं चाहते सब, सोचिए ये हम लोग की आदत आज से 2500 साल पहले की है, हम लोग लिखना नहीं चाहते, समझा लेकिन पढ़ने में भी हम लोग इंटरेस्ट नहीं, उसने लिखा था कि सुनने में सबसे ज्यादा विश्वास, पढ़ने में उससे कम और लिखने में तो एकदम नहीं, समझे, एक बार आवेदन लिखिए तो ले
लिख में नहीं करेगा आप। अब भाई हकीकत ये होता है, हम लोग भी मैट्रिक में जब पढ़ते थे तो संस्कृत का श्लोक याद नहीं होता था, पहले नहीं जाता था, तो अपने दो चार को सनातिया सबको बोला था नहीं कि तुम बोल, सनातिया नहीं समझते लो, दोस्त 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 मही मतलब गंगा के दोस्त को सनातिया बोला जाता था, तो वो बोलता था हम लोग सुन सुन के क्या करते थे याद रखते थे, वो कितना श्लोक बोलेगा हम लोग सुन सुन के क्या करेंगे याद, पढ़ के तो कब नहीं याद होता था। आप ही लोग बताइए ना, हम पीडीएफ देते तो आप पढ़ के याद कर पाएंगे? हाँ नहीं, लेकिन हम बोलते हैं तो क्या होता है याद हो जाता, और हमारी भी कोशिश रहती है कि आप लोग को इस तरह से समझाया जाए कि घर जाकर आपको कहानी याद रहे, कहानी याद रहे। तो विदेशी यात्री भी हो सकता है, और उसके बाद साहित्य क्या हो सकता है, साहित्य क्या हो सकता है, साहित्य समझा कि नहीं क्या सकता है, साहित्य इसमें क्या सकता है, सिक्का सकता है कि नहीं, अभिलेख आ सकता है, मन का सकता है, हथियार आ सकते हैं, ये सब इसमें चला जाएगा। विदेशी यात्री का यात्रा देख लेंगे हम लोग, और इधर क्या देखेंगे, साहित्य क्या देखेंगे, साहित्य साहित्य मतलब पुस्तक, साहित्य मतलब पुस्तक, पुस्तक दो तरह से होता है, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक कौन सी पुस्तक, गैर धार्मिक और एक होता है धार्मिक, एक क्या होता है धार्मिक, गैर धार्मिक एक होता है धार्मिक, धार्मिक गैर धार्मिक। एक बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन थे, तो हम जैसे नहीं नंबर नंबर लेते, हमारा नंबर उनके पास भी था, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मतलब कई सौ करोड़ के थे, और हमारे पास ना दिन भर में 20-30 रुपये डेली 40-50 के धार्मिक भेज देते थे, ये है वो है, अरे भैया हमारा उधर फील्ड है नहीं, और वो भी अपने समय रिटायर हो चुके थे, खाली थे, पढ़ते रहिए हमारा टाइम मिल नहीं पाता था, अब हमको कुछ रिप्लाई किया भी नहीं बनता था, और खोने लगते थे, खान सर आपने ये पढ़ा, हम कहते हैं हाँ पढ़े, अच्छा बताइए ये चौपाई में, हम कह लिया भाई फंसा दिया हमको, अब हम परेशान हो गए थे भाई। अभी कभी कभी चलता है दिवाली का सारा हैप्पी न्यू ईयर मेरी क्रिसमस इस समय चलता है, और डेली सुबह शाम चार पन्ना आदमी परेशान था, हम कहिए ना जितना आप लोग पीरियड देना होता था ना, डेली दो पीरियड भेज देते थे, एक दिन भूगोल का अर्थशास्त्र भूगोल का भेज दिए, कोई दिन केमिस्ट्री का भेज दिए, किसी दिन गैसियस का भेज दिए, किसी दिन कुछ भी देखते क्या पन्ना आया तो क्या पन्ना चिपका देते, 10 दिन के बाद बराबर हो गया, नहीं ना क्रॉस क्वेश्चन, अरे भैया हम अभी बताइए आप लोग यंग एज है, अभी आप लोग धार्मिक पुस्तक पढ़ने मन लगेगा, आपको सामने करियर दिख रहा है, लेकिन जब जॉब हो जाएगा बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे सब सांसारिक दुनिया काम को निकाल चुके हैं, पढ़ते रहिएगा आप लोग, नहीं जाएगा अब आपके माता पिता खूब पढ़ते होंगे, सबसे ज्यादा दादी पढ़ती हूँ, दादा दादी लोग हैं, उन लोग का एग्जाम पास रहता है, नहीं समझे तुम लोग का एग्जाम क्या रहता है, पास रहता है, तो तैयारी करके जाएंगे नहीं सिलेबस, तो गैर धार्मिक में आ जाएगा चाणक्य की पुस्तक, अब सास आ जाएगा, मनुस्मृति आ जाएगा, ये सब जितना पुरानी ऐतिहासिक कहानियां होगी, मृक्ष कटिका आ जाएगा, देवी चंद्र गुप्ता आ जाएगा, कालिदास की पुस्तक आ जाएगा, ये सब पुस्तक गैर धार्मिक में आ जाएंगे, किसमें आएगा गैर धार्मिक, किसमें गैर धार्मिक, धार्मिक पुस्तक में धर्म से रिलेटेड रहेगा, तो कौन सी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, ये दो तरह से होगा, एक हिंदू धर्म से रिलेटेड पुस्तक होगा जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म, या फिर जैन धर्म से रिलेटेड रहेगा, या फिर बौद्ध धर्म से रहेगा, प्राचीन काल में तो यही तीन धर्म थे, समझा लेकिन आएगा, तो हम यही पढ़ेंगे, ऐतिहासिक स्रोत खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महाजनपद, महाजनपद के बाद विदेशी आक्रमण, अब विदेशी आक्रमण का सिलसिला खत्म ही नहीं होगा, कुशाण वगैरह लेते हो, हमला करते 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 चला गया यहाँ पे गौरी, गौरी के बाद अवध, ये सब गजनबी गौरी यही सब आते जाएंगे सब, मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद सफेद का अंग्रेज चल गया, सफेद का कुर्ता छोड़ गया सब, उसके बाद तब जाके क्या हो गया मशरूम सबका, किसका कब क्या हो गया मशरूम सबका, तो बताइए ध्यान से किसी को कोई दिक्कत, कितना तो समझ आ गया, ऐतिहासिक स्रोत कितने हो सकते हैं, तीन टाइप का, पुरातात्विक, विदेशी यात्री, साहित्यिक, सबसे बड़ा झमला किसमें है, साहित्य, गैर धार्मिक हो सकता है, धार्मिक हो, हम आपको जो किताब देते हैं क्या है गैर धार्मिक, तो गैर धार्मिक हो सकता है धार्मिक, धार्मिक कितने टाइप का, तीन टाइप, कौन कौन, हिंदू जैन बौद्ध, हिंदू जैन बौद्ध, तो हिंदू धर्म में रामायण महाभारत पुराण वेद उपवेद वेदांग वेदांत उपनिषद यही सब तो पढ़ना होगा, और उसमें जैन ग्रंथ में पढ़ेंगे, फिर बौद्ध ग्रंथ में पढ़ेंगे, हो जाएगा, फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वैदिक काल, कौन सा काल, वैदिक, किसी को दिक्कत, आज के लिए इतना ही, अगला क्लास कल करेंगे, कल फ्राइडे है, चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।